हेलो ऑल, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न नेटवर्क। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉजिंग नंबर्स के बारे में। क्या होता है डॉजिंग नंबर्स, इसे सिखाने की टेक्निक क्या होती है, एंड क्यों ज़रूरी है बच्चे को डॉजिंग नंबर सिखाना, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। तो एक तो होता है नंबर्स, जैसे कि ये है सिक्वेंस में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नंबर्स का या फिर काउंटिंग का एक सीक्वेंस है। डॉजिंग नंबर्स क्या होता है बेसिकली? डॉजिंग नंबर ये होता है कि जैसे कि आप रैंडमली कोई भी नंबर बोलेंगे और वो नंबर बच्चों को लिखना है। जैसे कि आपने बोला 5, तो बच्चा लिखेगा 5। देन कोई सीक्वेंस में नहीं बोलना है, आपको रैंडमली कोई भी नंबर बोलना है। आप बोलेंगे 9, तो बच्चे को लिखना है 9। 10, आप बोलेंगे 12, तो बच्चे को लिखना है 12। जहाँ तक भी आपने बच्चों को नंबर्स सिखाए हैं, तो आप वहाँ तक बच्चों को डॉजिंग नंबर्स दे सकते हैं। 1 to 10 तक जब आपने सिखा है, तो बच्चों को 1 to 10 तक में ही दीजिएगा। देन अगर आप 20 तक सिखा चुके हैं, तो बच्चों को 1 to 20 तक दीजिएगा। 100 तक, जहाँ तक भी आपके बच्चे को नंबर्स आते हैं, तो उसमें आप बच्चे को डॉजिंग नंबर्स दे सकते हैं। तो बेसिकली ये है डॉजिंग नंबर्स, आपको रैंडमली कोई भी नंबर बोलना है और वो बच्चे को लिखना है। क्या होता है, बच्चे को जब हम नंबर सिखाते हैं तो सीक्वेंस में तो वो अच्छी तरह से लिख लेते हैं। अगर रैंडमली जब हम बच्चे को पूछेंगे 5, तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 कैसा होता है। सो 5 का पिक्चर क्लियर करने के लिए ही डॉजिंग नंबर सिखाया जाता है, या फिर कोई भी नंबर का पिक्चर क्लियर करने के लिए ही ये डॉजिंग नंबर या फिर डॉजिंग काउंटिंग सिखाई जाती है। सो ये तो हो गए डॉजिंग नंबर्स के बारे में बात। क्यों सिखाना ज़रूरी है डॉजिंग नंबर, क्या फ़ायदे हैं इसके? एक तो ये क्लियर हो जाएगा आपको कि आपने जो भी नंबर्स या फिर जहाँ तक आपने काउंटिंग सिखाई है, वो सारे नंबर्स बच्चों ने अच्छे से लर्न कर लिए हैं या नहीं, वो सारे नंबर्स की बच्चे को अच्छे से पहचान है या फिर नहीं, वो आपको पता चलेगा। एंड ये बार बार डॉजिंग नंबर्स करवाने से बच्चों की काउंटिंग स्पीड, नंबर को याद करने की, दिमाग में रखने की, उनको नंबर्स की पहचान बनाने की स्पीड स्ट्रांग होती है। सो इसीलिए डॉजिंग नंबर्स सिखाया जाता है। एंड कुछ कुछ पेरेंट्स इसे इंपॉर्टेंट नहीं देते एंड वो स्किप कर देते हैं नंबर्स, वो सीक्वेंस में सिखा देते हैं और वो समझते हैं कि हमारे बच्चे को सारे नंबर्स आ गए हैं। लेकिन उसी को पक्का करने के लिए ये टॉपिक डॉजिंग नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी पेरेंट्स की तरह आप गलती मत कीजिएगा एंड डॉजिंग नंबर्स बिल्कुल करवाइएगा अपने बच्चे को। सो यही था छोटा सा वीडियो डॉजिंग नंबर्स के ऊपर। मैं ऐसा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को करिएगा बहुत सारे शेयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।